श्रावस्ती जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद के कई मानदेय स्थलों का औचक निरीक्षण किया। जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा और पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने आगामी लोकसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए जनपद के कई मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण कर मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने तहसील जुमना के मानदेय स्थल प्राथमिक विद्यालय बेगमपुर, प्राथमिक विद्यालय हरीशवंशपुर और प्राथमिक विद्यालय चोरी कुटिया सहित दर्जनों मानदेय स्थलों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा उक्त मानदेय स्थलों के जाकर मतदाताओं से मिले, उनका कुशल क्षेम जाना तथा भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की। उन्होंने मतदाताओं से ये भी कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को डरा धमका कर किसी व्यक्ति विशेष के प्रति मतदान के लिए कहता है तो इसकी सूचना तत्काल भारत निर्वाचन आयोग के टोल फ्री नंबर 1950 और डायल 100 नंबर पर संबंधित तहसील के जिलाधिकारी, तहसीलदार, पुलिस क्षेत्र अधिकारी या अपने थानों में शिकायत कर सकते हैं ताकि संबंधित दबंग व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा जा सके। मतदान के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर आयोग की मंशा के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालयों में बूथ संख्या, बीएलओ का नाम, मोबाइल नंबर ढंग से ना लिखा होने पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताते हुए व्यवस्थाओं को तुरंत चुस्त दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्राथमिक विद्यालय बेगमपुर का निरीक्षण किया जिसमें बच्चों को दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता का भी उन्होंने जायजा लिया। ज्ञात हुआ कि यहां पर कुल 5 अध्यापक तैनात हैं जिनमें से शिक्षा मित्र सगीर अहमद, अनीता देवी के अनुपस्थित पाए जाने पर मानदेय रोकने का भी निर्देश देने के साथ ही बच्चों के पठन पाठन में सुधार लाने हेतु प्रधान अध्यापक को भी कड़ी फटकार लगाते हुए उनका भी वेतन रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि एक माह में बच्चों के पठन पाठन में सुधार नहीं हुआ तो प्रधान अध्यापक को यहां से स्थानांतरित किया जाएगा। विद्यालय में बच्चों के पठन पाठन में सुधार लाने हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी विद्यालयों में बच्चों को उनकी अभिरुचि के अनुसार पढ़ाया जाए तथा उनको अक्षर ज्ञान जरूर करवाया जाए। श्रावस्ती से इंडिया समाचार के लिए प्रदीप गुप्ता की रिपोर्ट। कोई बच्चा ऐसा है जो पैराग्राफ पढ़ सकता है, लाइन पढ़ सकता है? वर्ड नहीं पूछ रहा हूँ, इधर वो वर्ड नहीं पूछ रहा हूँ। कोई भी नहीं है सेकंड क्लास का। एक ये भी देख लीजिएगा कि प्रथम ने अपना वो करवाया था, एक लर्निंग लेवल का आपने इनके स्कूल का निकलवाना था। इनके स्कूल में इन्होंने क्या डाला था कि कितने बच्चे फर्स्ट और सेकंड क्लास का ही था, तो देखिए इन्होंने डाला है या नहीं डाला। अगर डाला है तो फिर झूठ डाला है, ये देखा जाए कि अगर पांच के साल से आप रह रहे हो ऐसे स्कूल चलाओगे तो चल दिया बंदी कर दो स्कूल को, आए भी क्यों एग्जाम हो गया। तो